भोजपुरी में आप किन के गाने सुनते हैं? ज्यादा टुनटुन यादव के अच्छे लगते हैं गाने। हमको लाइक करते हैं, उनका गाना अच्छा लगता है, हर चीज अच्छा लगता है उनका, जो भी गाना होता है उसी गाने पे रील बनाते हैं, उन्हीं का गाना अच्छा लगता है और किसी का गाना अच्छा नहीं लगता है। काम करने में तो कोई मजा नहीं आता, बस क्या करें, मजबूरी मजबूरी सब कुछ करा देता है। घर वाले सपोर्ट करते हैं इस काम में? नहीं, घर वाले नहीं करते, बस क्या करें, मेरी जिद है, शौक तो है कि सारी जी के साथ बनाने का, वीडियो शूट करने का, हर चीज, पर क्या करें। उनके घर में भी आगे माँ बहन बेटी दे रखी है, उनको भी दिखता होगा, एक कान से सुनते हैं कान से निकाल देते हैं, थोड़ी देर के लिए बुरा तो लगता है दिल पे, बस निकाल देते हैं, कोई बात ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं। दोस्तों अभी हमारे साथ हैं वायरल गर्ल तनु राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दर्शकों को पहले मैं बता दूं कि तनु राजपूत जी का रील वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, और रील इस गाने पे हो रहा है 18 मर्डर केस पे, जो कि टुनटुन यादव जी का गाना है। और तनु जी अभी पूर्णिया के थिएटर में आई हुए हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं क्या कुछ यहाँ हो रहा है धमाल, आपको बताते हैं। थिएटर में कब आई यहाँ पे और कितना दिन से प्रोग्राम हो रहा है बताना चाहेंगे? मैं पिछले साल सोनपुर में लगा था, सोनपुर में फर्स्ट टाइम आई थी, जब से थिएटर ही कर रहे एक साल हो गया है। अच्छा, एक साल हो गया है। टुनटुन यादव जी के गाने पे 18 मर्डर केस पे रील आपका वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक इतना आपके रील को प्यार दे रहे हैं? सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद, दिल से प्यार देते सबको, आई लव यू। सबको आई लव यू कैमरा पे देख के अगर बोल देंगे तो दर्शक आपके चाहने वाले पागल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स इतना सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, कहाँ से हैं आप और कब से ये थिएटर का काम कर रही हैं? मेरे को एक साल हो गया है, मैं हूँ हरिद्वार से। अच्छा, मम्मी पापा आपके क्या करते हैं? मम्मी पापा कुछ नहीं करते, मम्मी की तबीयत खराब रहता है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? उनका भी ऐसे ही हाल है, तबीयत खराब रहता है। आप कितने भाई बहन हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर मेरा भाई है, फिर मेरा छोटा बहन है। अच्छा, तो घर का खर्चा आप ही उठाती हैं? हाँ जी। अच्छा, ये तो बहुत ही जिम्मेदारी का आप काम कर रहे हैं। जैसे कि आप थिएटर कर रही हैं तो किन किन मजबूरियों का यहाँ सामना करना पड़ता है और काम करके कितना मज़ा आता है बताना चाहेंगे? काम करने में तो कोई मज़ा नहीं आता, बस क्या करें, मजबूरी सब कुछ करा देता है। आप थिएटर कर रही हैं और जैसे कि आपका रील्स वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, जो भी आप रील बना रही हैं सब वायरल हो रहा है, आगे का क्या प्लान सोचा है, कुछ बताना है चाहेंगे? हाँ, आगे का तो सोचा बहुत है, पर सपोर्ट मिलेगा तो क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। क्या सोचा है वो हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत कुछ सोचा है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आने के लिए। जैसे कि आप टुनटुन यादव जी के गाने पे रील बना रही हैं तो आपका रील वायरल हो रहा है उस गाने पे, तो क्या आप भोजपुरी में काम करना चाहेंगे अगर उनके तरफ से ऑफर आए तब? हाँ, कर लेंगे जरूर। अच्छा, भोजपुरी में आप किन के गाने सुनते हैं? ज़्यादा टुनटुन यादव के अच्छे लगते हैं गाने। अच्छा, टुनटुन यादव जी के आप गाने ज़्यादा सुनते हैं? हाँ जी। आप राजपूत हैं फिर भी टुनटुन यादव जी के गाने यादव जी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, नहीं अच्छा लगता है गाना बहुत ज़्यादा। अच्छा, 18 मर्डर केस जो गाना है कैसा लगता है, क्योंकि आप उस पर ज़बरदस्त रील बनाई है? अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा गाना। अच्छा, गाना हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाना चाहेंगे दो लाइन? आर्मी जुमाइल जनी करो खनीना बना के लेके चलो। अच्छा, मेन जो पंच लाइन है वो दो लाइन हो जाए, जनुआ मार 18 मर्डर के। शर्माइए नहीं, दिल से गाइए, गाना नहीं आता है तो हर मजनू नहीं आ रहा गाना। एक और, आप रील बनाई है वायरल हो गया है रील, आपको गाना याद नहीं है, तो मैं जनुआ पर रे जनुआ 18 मर्डर केस वाई, यही तो गाना है? गाना नहीं आता है, गाना समझ में आता है पर मुंह से गाया नहीं जाता है। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। मान लीजिए भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं सिंगर टुनटुन यादव जी, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो करना चाहेंगे? हाँ जी जरूर, बिल्कुल। अगर वो मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हो तो क्या अपील रहेगा उनसे? कुछ नहीं, उनके लिए भी धन्यवाद है। काम के लिए क्या अपील रहेगा उनसे? काम के लिए मर्जी है उनकी। अच्छा, जैसे आप कह सकती हैं ना कि मान लीजिए वो आपकी बात सुने तो आप उनसे कुछ कहना चाहें तो वो कह सकती हैं हमारे इंटरव्यू के माध्यम से? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो फिर काम कैसे मिलेगा? भी कहना चाहेंगे, हम आपको लाइक करते हैं, उनका गाना अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छा लगता है उनका, जो भी गाना होता है उसी गाने पर रील बनाते हैं, उन्हीं का गाना अच्छा लगता है और किसी का गाना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, थिएटर कब तक करना है और आगे का क्या प्लान है कुछ बताना चाहेंगे? आगे का तो बहुत प्लान है, सपोर्ट मिल जाएगा तो क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए भोजपुरी एल्बम में आपको काम मिलने लगा और लगातार काम करने को मिलने लगा, तो क्या आप थिएटर करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, तब नहीं करेंगे।
थिएटर यानी मजबूरी में थिएटर आप कर रही हैं? हाँ जी, मजबूरी में कर रहे हैं थिएटर। अभी कितना दिन रहेगा पूर्णिया में थिएटर? और 15 दिन और। अच्छा, घर वाले सपोर्ट करते हैं इस काम में? नहीं, घर वाले नहीं करते, बस क्या करें, मेरी जीत है। आपकी जीत है। हाँ। मान लीजिए होता है ना कि मम्मी पापा जब सवाल करते होंगे तो आपका ये कहना भी होता होगा कि मेरी मजबूरी है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, लेकिन मजबूरी के लिए कोई और भी काम होते हैं? नहीं, मेरा शौक था शुरू से, तो मैं इस लाइनिंग में आ गई। जो पब्लिक गलत गलत कमेंट करते हैं और थिएटर वाली लड़कियों के लिए एक अलग ही नज़रिया से लोग देखते हैं उन थिएटर की लड़कियों को, तो उन सबको आप कैसे देखते हैं उनके और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में ये कहना चाहेंगे कोई मतलब उनके घर में भी आगे माँ बहन बेटी दे रखी है, उनको भी दिखता होगा, एक कान से सुनते हैं कान से निकाल देते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए बुरा तो लगता है दिल पे, बस निकाल देते हैं, कोई बात ही नहीं। हाँ, बात तो सही है, खाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, इसलिए सोचते हैं कान से सुने कान से निकाल दो। आपने थिएटर ही लेकिन क्यों चुना, और भी तो कोई काम कर सकते थे जिससे आपका घर परिवार चल सकता? शौक था शुरू से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आने का। मतलब आपने एक माध्यम पकड़ा कि हाँ इससे मैं डांस करूँगी, उसके बाद फिर एक स्कोप अपना समझा है कि नहीं? नहीं, मैं डायरेक्ट आई थी मालिक के पास। अच्छा। हाँ जी, अभी एक थिएटर की लड़की वायरल गर्ल काजल हो रही जो वायरल गर्ल बन चुकी है, उनको भी काम मिला भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी जी के साथ, आपको भी क्या उम्मीदें हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से मुझे काम मिलेगा? जिस तरह से आपका एक्टिंग है, आपका एक्सप्रेशन है, आपका डांस है, उस तरीके से पता नहीं, देखते हैं किस्मत होगी तो जरूर होगी। चलिए ठीक है, शौक तो है, मतलब बहुत शौक तो है खेसारी जी के साथ बनाने का, वीडियो शूट करने का, हर चीज़ पर क्या करें, कोई सपोर्ट ही नहीं करता है। तनु जी अभी हमारे साथ हैं और कहती हैं कि कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो अच्छा डांस करती हैं, इनका एक्सप्रेशन अच्छा होता है, तो इनको आप लोग सपोर्ट करें और इनको भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आने की इच्छा है जिस तरह से। और टुनटुन यादव जी की बहुत बड़ी फ़ैन है, टुनटुन यादव जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? टुनटुन यादव जी के लिए क्या है, जो देख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। चलिए, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सभी को बाय बाय, आई लव यू। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ थी तनु राजपूत जी, तो थिएटर कर रही हैं और इनका सपना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करें और इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोगों को इनका डांस कैसा लगता है, और टुनटुन यादव जी की बहुत बड़ी फ़ैन है तो इनको सपोर्ट कीजिए, और जो भी भोजपुरी के सुपरस्टार हैं अगर इनको काम देना चाहते हैं तो आप काम के माध्यम से इनका सपोर्ट कीजिए। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।